My God, ये क्या है यहाँ पे? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hey, good morning, guys. यहाँ पर हम लोग जो है एक नया ब्लॉग हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है और आज ही हमारा ब्लॉग थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं. ज़िया क्या की शादी है तो ज़िया ने हम लोग को वहाँ पर इनविटेशन दिया, तो हम लोग वहाँ पर आज उनके यहाँ वलीमे में बाहर जा रहे हैं एक दिन. तो मेरे घर पे आया मुझे अभी पिकअप करने और यहाँ पर अभी सुबह का बज रहा है 6:30. तो हम लोग की ये 7:30 बजे की ट्रेन, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे हम ज़िया वगैरह से ही मिल पाते हैं और आगे जो बिनाशा वगैरह होता है हम करते हैं. तो आगे चलते हैं. अरे यहाँ पर ये बैग की चेने लगा रहे हैं बैग की. क्या सुबह का मौसम सुहाना सुहाना था, बेहतरीन. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. मैं घर पे आऊँ ना. घर पे बुला रहा है भाई. बाकी अभी सब लोग आ रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं. और ये भाई तो अभी नहाने ही वाले हैं. हम लोग को 6 बजे बुला लिया, 6:30 यहाँ बज रहा है. तो चलिए नाश्ता करके आगे मिलते हैं. तोशी भाई को ब्लॉग में आना था हमारे. जो फाइनली यहाँ पर हमारे तोशी भाई हमारे साथ ब्लॉग में आते हैं. तोशी भाई क्या कहते हैं आप? दिया भाई, दिया भाई, दिया भाई काम करते बुला रहा हूँ. क्या कह रहा हूँ दिया भाई, आप क्या कहना चाहिए भाई? आपने हमें छुआ अंदर सामान रख दो आप. तो गाइस यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल माहौल, हम लोग जरा सामान अंदर रख के हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं स्टेशन पे. हम आपसे मिलेंगे डायरेक्ट स्टेशन पे. चलिए फाइनली गाइस यहाँ पर हम लोग स्टेशन पर आ चुके हैं. यहाँ पर हमें ट्रॉली करना पड़ रहा है. हम यहाँ खड़े हुए वीडियो बनाने की. ये गाइस गरम गरम जलेबी का नाश्ता करना है भाई. क्या कह रहा हूँ भाई? भाई आप लोग भी कर लिए सब. ये भाई ने कहा था हमसे सुबह 6 बजे ट्रेन चलेगी. यहाँ पर 8:30 बजे का टाइम बता रहा. सुबह से अखबार भी पहला नाश्ता है, इससे पहले हमने भी नहीं करा. आप मुझे कर लिए मेरा भाई. अरे यार जिया दानिश तुम मेरे साथ नहीं जा रहा है ना, इसलिए मत का नहीं कर रहा है. चलो अरे बस हुआ है. यहाँ पर हम लोगों को ट्रेन थी वैसे सुबह 6:30 बजे और यहाँ पर डिले होते होते यहाँ पर ऑलमोस्ट अराउंड 8:30 बजने वाला है. तो 9 बजे का टाइम होगा था ट्रेन का. तो हम लोग जा रहे थे, इतने में हम लोग बाहर चाय पीने में आए तो इतने में यहाँ पर ट्रेन लग चुकी है. प्लेटफॉर्म नंबर चेंज कर दिया. प्लेटफॉर्म नंबर चेंज होगा क्या मालूम क्या कर रहा है ये बेवकूफ़ बनाना है ट्रेन वाले. अरे तो यार मैं वाइट टाइल दूंगा, मैं घर जा रहा हूँ यार अभी. आया ना भाई, भाई दिया की शादी ऐसी ही भाई बहुत बहुत परेशान. क्या मालूम कब बैठेंगे ट्रेन में, कब स्टार्ट होगा. सो फाइनली यहाँ पर इंतजार की घड़ी खत्म और हम लोग ट्रेन आ चुकी है. कुछ भाई आ गई ट्रेन? भाई ट्रेन आ गई, 2 घंटे लेट है. ये जिया भाई की बता दी. ये भाई रिजर्वेशन
जाकर अगर हम लोग ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, वो ज़्यादा भीड़ है। अबे तो क्या ऊपर वाला आया होगा, तो नीचे बैठने दो। सो गाइस फाइनली यहाँ पर हम लोग जो ट्रेन के अंदर हैं, यहाँ पर बहुत देर हो गई और हम लोग आज रास्ते में अभी तक सो ही रहा है। अब लोग देखो स्टार्टिंग से सो रहा है अभी तक। मैं तो यहाँ पर लेटा हुआ हूँ और यहाँ पर वेब सीरीज चल रही है, आप देख सकते हो। टोटल 3 एपिसोड देख के ख़त्म कर दिए हैं, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर रोजी अभी आगे भी गया, तो मैं आपको पूरा ट्रेन का टूर भी कराता हूँ, किनारी भी सो बैठ जाएगा। चलिए तो भाई यहाँ पर हमें मालूम चला है कि जिया भाई भी सो गए। तोशु भाई ने हमें बताया, तोशु भाई कहाँ सो रहा है भाई? ये जिया भाई आएंगे और अभी भाई आएंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पर डेस्टिनेशन से आधे घंटे की बची हुई है और ये हमारे जिया भाई सो के उठा लिया। आप लोग देखना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इसको तो उठाओ, अब उठाओ। आंटी का गले रहे हैं, जा रहा है भैया। आधा घंटा बचा हुआ है, अपन आगे चले। अरे लो लो लो, लाओ तो। जिया भाई ने अपने लिए मंगाई है, यहाँ पर हम लोग बहुत इंटेंस जगह जा रहे हैं। तो ट्रेन ये भी चला पाएगा भाई, ये तुम्हारा मेरा सारा गंदा है। हर बार बार छापो यार, बंद करो उसको। भाई यहाँ पर संघर्ष कर रहा है अपनी शक्ल देखने के लिए। साफ कुछ नहीं हो रहा, अभी भी शक्ल धुंधली दिख रही है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। कुछ रिश्तेदारों के लिए एसी कोच बुक कराई है दिया भाई ने। चलिए हम लोग के लिए नहीं कराई, हम लोग को पीछे रुकना पड़ रहा है, यहाँ से क्रॉस करना पड़ रहा है। इसके लिए पीछे रही भी है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे झांसी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये भाई का ये क्या है, झांसी है? दो नंबर में आ रहा है हैदर भाई के क्षेत्र में। हैदर भाई का कोई क्षेत्र नहीं है ना, हैदर भाई जानते हैं। हैदर भाई सिर्फ एक बार आए थे और उनको नंबर का नाम याद है बस। ये अरिफ भाई तो बेहतरीन सोए, क्या कहते हो आप भाई? अरिफ भाई की पूरी नींद। नहीं नहीं, आप भी मत बोलो, आप भी सोए बेहतरीन भाई। सोई का पाया, सोई का वो तो दिख जाएगा आपको, देखो आप बेहतरीन। तो यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये हम लोग झांसी आ गए हैं, बाकी झांसी के स्टेशन का डब्बा ये। अरे तुम कैसे देख रहा, अब देख रहा यो। तो गाइज अब हम लोग आपको मिलते हैं स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर पूरा सामान हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। तो ये थोड़ा सा ज़रा बाल भी थोड़े सा ख़राब हो गए, कल ही बाल कटवाए मैंने। ये को ज्यादा जल्दी है गाइस, यहाँ पर जिया भाई को बहुत ज्यादा जल्दी है और यहाँ पर बाहर निकलने की लाइन बहुत लंबी। तो जिया भाई कह रहा मैं तो इमरजेंसी एग्जिट से ही जाऊंगा। लाइन तो जिया यहाँ से कूदोगे? जिया यहाँ से कूद रहा पैर के बाल उतरते उतरना ही नहीं आता, खिड़की और खुल जाएगी यार। अरे कूद रहा है यार गाइस। तो हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट से हम लोग यहाँ पर बाहर निकले, यस।
जो फाइनली रीच गई झांसी, तो आगे चलो। जो है झांसी के अंदर पहुंच गए थे और जहां पर फंक्शन था वहां पर हम फंक्शन वगैरह में आ चुके थे और यहां से हम लोग बाहर जा रहे हैं जिया भाई के साथ। फाइनली गाइस यहाँ पर हम लोग जो है झांसी में आके और झांसी के किले पे आए हैं, कौन रानी लक्ष्मीबाई के पास। रानी लक्ष्मीबाई से मिलने दिया भाई ने क्या दिया भाई क्या कहते हैं आप Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है यहाँ पर, क्या बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स हैं, बेहतरीन पूरी घूमने की जगह है। जैसे संडे थोड़ा ज़्यादा रश है, नॉर्मली वैसे नहीं लगता मुझे जिया भाई रश रहता होगा इतना, नहीं नॉर्मली नहीं रश नहीं है। हाँ मतलब इतना ज़्यादा कोई रश नहीं, लेकिन ज़्यादा लोग दिख रहे हैं थोड़े बहुत। भोपाल ही आ जाए वो बात अलग है, आप लोग भी आइएगा कभी झांसी आइएगा। यहाँ पर तो हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ चढ़ के बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊपर, और अभी ऑलमोस्ट अराउंड 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है अप्रॉक्स, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गए। ओह टॉप मोस्ट व्यू, ओह इंडिया का फ्लैग ले रहा है, यहाँ पर इंडिया का ही ले रहा है। टॉप मोस्ट व्यू है ये यहाँ पर, सबसे बेहतरीन जरा ऊपर। और हमारे जिया भाई बता रहे हैं कि जिया भाई कौन कूदा यहाँ से, रानी कमलापति कूदी है यहाँ से। क्या है ये रानी लक्ष्मीबाई का, क्या बोला तूने कमलापति? अरे यार शिट मैन, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है गाइस आप लोगों को, वोल्टेज दिस यार, सॉरी सॉरी गाइस, ये गाइस ये तो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ से कूदी थी, सामने मूर्ति दिख रही है, वो छोटी थी। कहाँ है मूर्ति? वो जो पेड़ में घूम रहा है, अब पेड़ में ऊपर ऊपर पेड़ में। अरे ओके ओके ओके, दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई, ये देखिए इतनी दूर है। सो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन माहौल। यहाँ पर तिरंगा भी लहरा रहा है ऊपर, आप देख सकते हो बेहतरीन ग्राउंड वगैरह भी है सामने, देखो आप पूरा ग्राउंड, ये पूरा ये लोग सब जो महल के अंदर से आ रहे हैं सब। गाइस यहाँ पर जो है एक सुरंग अंदर जा रही है, लेकिन यहाँ पर जाना मना है, फिर भी मैं कैमरा दिखा देता हूँ। वैसे अंदर है, यहाँ से जाओगे तो ओके ना, रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुँच जाओगे, बिल्कुल उनके घर के पास पहुँच जाओगे, या उनके बिल्कुल उन्हीं के पास पहुँच जाओगे आप, तो उनसे मिलने घर के पास नहीं, अंग्रेज छुपे होंगे अंदर, अंग्रेज छुपे हैं भाई साहब, अंग्रेज छुपे हैं भाई साहब अंदर। क्या अंग्रेजों को रानी का लक्ष्मीबाई यहाँ पे उनको घेराते हैं। ओके अबे धूप रही है। ये हम लोग उस सुरंग के अंदर आ गए, और यो वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ से तो रोड पे पहुंच गए, उनके घर नहीं पहुंचे। अरे ये तो
धोखा हुआ यहाँ क्यों चलना पर? अरे वही तो यार, अपन को सुरंग सुरंग में चलना पर यार, नीचे है सुरंग। गाइज एट द एंड यहाँ पर रानी लक्ष्मी बाई की यहाँ पर फोटो मिल चुकी है, दे दे। ये देखो आप पत्थर पे तराई दिया उनको, बोलो के मुंह क्या लिखा है ये मुझे नहीं मालूम, आप लोग कमेंट्स में पढ़ के बता देना क्या लिखा है, मुझे इतनी हिंदी आती नहीं है, कमजोर हूँ मैं थोड़ा। झांसी वाली रानी थी, ये देखो आप बेहतरीन तराई दिया इनको पत्थर पे, ये यार ये भाई ने फूल वूल भी चढ़ा दिए, आहा चलो चलो भाई। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर से और आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर ओफो ये कहाँ झाँक रहा है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर गोइंग अंडर द सी, वेयर आर यू गोइंग ब्रो अंडर द सी, क्या मालूम क्या ये वेंटिलेशन रूम नहीं नहीं कुछ तो है वेंटिलेशन, हाँ ठीक है वो, अरे अरे नहीं है यार किले में, ओ ये क्या, माय गॉड ये क्या है यहाँ पे, हटो हटो हटो, देखो ओह ओह क्या, ओ सामने दुश्मन, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, बंद करो, फायर हो रहा है फायर हो रहा है, ये देखो आप मतलब ये देखिए ये देखो गाइस देखिए मैं पुराने आर्किटेक्चर का आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही उम्दा चीज़ होती है यहाँ पर, एक सामने एक ये है मतलब ये गैप सा है ताकि ये सिर्फ अपन यहाँ से देख सकते हैं और अपन को सामने से कोई नहीं देख सकता चाहे वो कितने ही एक्स का दूरबीन यूज़ करता। आप देखिए ये बहुत ही पुराने जो है मॉन्यूमेंट की खासी बात होती है, आप यहाँ से आप देख सकते हो सब कुछ, आप देखिए फ़ोन से आप सब कुछ देख पा रहा हो कौन यहाँ पर सामने क्या है क्या नहीं, लेकिन वहाँ से सामने वाले लोग आपको लोगों को नहीं देख सकते। ये क्या यार ये मोहब्बतबाजी करने लगते हैं, यादव प्रिया सो गाइस यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए तो ये बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ है बेहतरीन, ये है वेंटिलेशन रूम यहाँ का, वेंटिलेशन रूम ये देखिए यहाँ पर, ये क्या मालूम क्या आ गया देखो गुप्ता और आशीष, यहाँ पुराना सरिया तोड़ दिया उससे हिल नहीं रहा और लोगों ने तोड़ दिया जरूर वहां जा रंग फेंका हुआ, ये देखो ये ज्योति ज्योति को तराश दिया उन्होंने यहाँ पर, ज्योति सो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है बहुत ब्यूटीफुल जगह, लेकिन गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा अरे बहुत कचड़ा हुआ है सन किस जगह तो शू मेरा भाई, ये गरीब हो गए शाहरुख खान के बेटा अच्छे हो तो शाहरुख खान अच्छा होगा, तुम बहुत बेकार हो, हम लोग अंदर जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मेरा, चलिए आइए अंदर आइए, ये वो अरे वो देखो कहाँ जा रहा है, चलिए 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 ये ऊपर 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 भैया यार पुरानी मीनारों में नीचे मजा आ गया, भूत भाई भी होते हैं उनके भी ख्याल रखो, नहीं तो हमारे ख्याल बदल दे मेरा दिल बदल दे, संजू हां देखिए गाइस संजू ये हम बाहर आ गए चलो इधर सामान रखते होंगे, यहाँ पर हम लोग और अंदर आ चुके हैं, बताया जा रहा है कि ये रानी लक्ष्मीबाई का लिविंग रूम है, यहाँ पर उनके मेहमान स्टे कर ये हमारे कैमरामैन जिया भाई और तोशी भाई के साथ, अरे यार बहुत बढ़ गया तुम लोग वायर खींच लो मजा आ जाएगा, तो चलिए अब हम लोग आगे और एक्सप्लोर करते हैं, तो चलिए भाग सकते हो अंदर जा रहा है और आप देखो कितना जबरदस्त व्यू है, लाइन होगी ओहो यहाँ ये तो जेल है, आप उधर फोटो खींचा यहाँ से लक्ष्मी भाई को जो अंग्रेज पकड़े जाते थे अबे इधर, यहाँ पर आप देखिए कुछ ताला वाला लगा हुआ है यहाँ पर बेहतरीन, और ये सन 87 का ही ताला लगे हैं इसमें, तो शुभ भाई मेरा ये देखो आप ये देखो किसी ने तोड़ने की कोशिश भी करी है इस ताले को, ये देखो आप बेहतरीन अंदर क्या 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 1990 का, तो गाइस यहाँ पर अब हम जरा फोटोज वगैरह 1890 का दरवाजा है, बहुत खतरनाक आ रही है भाई, देखो आप
शेर बनता सो है गाइज, यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे और आगे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हैंगिंग टावर मतलब फांसी घर, मतलब यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप फांसी घर अब दिखाता हूँ कहाँ पर फांसी देते थे लोगों को। चलिए कहाँ आ गया, ये आ गया, ये है फांसी घर, ये है फांसी। ओके ओके, दिस इज नोन एज फांसी घर। भैया भाई फांसी घर के सामने साइड हो आप, ये सामने कबूतर बैठा, इसकी फांसी लगी है, ये सामने फांसी घर बहुत ज़बरदस्त है। और देखो आप अंदर जाने का भी है, जैसे रास्ता है। सो गाइस यहाँ पर हम लोगों को जिस पे वो लटका थी, लोगों को फांसी को मिल चुका है। अब हम देखो जिया को लटका के बताएंगे इसमें मर जाएगा। हाँ जी, हाँ जो आप आज मैं आप लोगों को पिकनिक पे लेकर आया हूँ, तो ये आप इनके ईंटों से बनी है दीवार, और मैं आगे आपको दिखाता हूँ। बिस्लरी भी पीती थी, बिस्लरी भी पीती थी। यहाँ पर एक मंदिर है, रानी कमलापति रानी, यहाँ पर सॉरी लक्ष्मी बाई। ओ ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है शिव टेम्पल, यहाँ पर सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको स्क्रीनशॉट लेकर। हाँ दिखा दिया। सो गाइस यहाँ पर अब हम लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा घूम लिया, तो हम लोग जो है बाहर निकलना है धीरे धीरे। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह भी है इधर। सो गाइस यहाँ पर हम लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैर दुखने लगे, तो मेरे ये देखिए ये तोपे आएंगी इस पे, यही तोपे चलती थी क्या तोशी भाई? जी भाई, इस पे आएगी वो उस जमाने की मशहूर गन तोप, यही यही वो मशहूर तोपे मकरानी समाज की, इनाम भाई की जाएगी। क्योंकि जिया चलाना सीख रहा हो क्या उसको? जिया भाई इसको चलाना सीख रहा, मशीन गन चलती कैसे कैसे चलती है? फुल कोशिश कुछ हिल नहीं रहा तुमसे। लड़ाई जीतने के बाद जरूर चलेगी। सो गाइस यहाँ पर हम लोग ने जो है ऑलमोस्ट पूरा यहाँ पर किला घूम लिया, लेकिन थोड़ा सा एंड का पार्ट रह गया था, लेकिन हम लोग के पैर काफ़ी ज़्यादा दुखने लगे थे, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इतना अंदर नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ पर बहुत खूबसूरत था झांसी का किला, और ये यहाँ पर कुछ ये तोप वगैरह है, ये देखिए आप। ये देखो आप, ओ मैं धक्का मत दे देना तुम लोग। ये गाइस हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा है अभी भाई। यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट हमने सिर्फ 25% यहाँ पर हमने जो है घूमा है। इसको ऑलमोस्ट घूमने के लिए पूरा दिन होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हम लोग के पास खैर इतना पूरा दिन तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको जितना होता है वो मैं दिखा देता हूँ। आ जाओ ये देखो आप। तो भाई आ जाओ ऊपर, ऊपर से दोनों जगह एक ही जगह निकलना है। ये
चलो अंदर चलो ना। अबे जाने का भी है तो फाइनली गाइज यहाँ पर जो है हम लोग किले से बाहर आ चुके हैं और एट दी एंड ऑलमोस्ट आधा से भी कम हमने किला घूमा है और जितना देखा आप देख लीजिएगा वो भी बहुत सारा था हम लोगों के लिए क्योंकि पैर बहुत सारा दुखने लगे और पूरा किला घूमने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड पूरा एक दिन चाहिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें देखने के लिए। तो इंशाल्लाह आप देखिए और अब हम लोग किले से वापस जा रहे हैं तो आगे आगे कुछ होता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलिए और बस तो गाइज यही था अभी तक तो और इसके अभी हम बस न्यू पानी पी के हम जो है वापस जाएंगे हम फंक्शन अटेंड करेंगे आगे जो भी होता है वो हम आपको ज़रूर दिखा देंगे। चलिए आगे तो गाइज यहाँ पर आए थे हम लोग जिया भाई को शहीद दिलाने और यहाँ पर हैं हम झांसी के चौक बाजार में। झांसी का चौक बाजार क्या माना चौक मानसी चौक क्या नाम है मुझे भी नहीं मालूम क्या मानसी बाप अच्छा कहा था ठीक ठाक क्राउड है मतलब अपने चौक में तो खैर गाड़ी लेकर आ ही सकते अपन। देखो आप ये जिया भाई गाड़ी निकालना जिया भाई तो हम डेस्टिनेशन पर आगे पहुँचते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पर जो है शाम हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर तैयार होके आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग जो फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं तो यहाँ पर जिया भी तैयार होगा मैं भी तैयार होगा अभी भी तैयार होगा तो बस हम लोग रेडी होकर फंक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद जो भी होता है हम आगे अब आपको बता दें। ये रहा हूँ जिया भाई ये जिया भाई दूल्हा नहीं है जिया भाई कुछ खिलवाने रहे हैं जिया भाई क्या बोलते हैं इसको क्या मलाई चौक मलाई चौक चौक के अच्छे खाते हैं। चलिए बस हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लोग जो है फंक्शन से यहाँ पर बाहर निकल चुके थे और मैंने जिया भाई से बोला मैंने जिया भाई चाय पीनी है तो जिया भाई हम लोग कम से कम 15 किलोमीटर वहाँ से सफ़र करा के मुझे चाय पिलाने लाए मैं लगा होगी बहुत बड़ी सी दुकान लेकिन यहाँ पर चाय नहीं मिली। हमारा भोपाल अच्छा है भाई कदम टू कदम पर चाय हम घर के बाहर निकले तो चाय बहुत यार वेरी डिसअपॉइंटमेंट यार वेरी डिसअपॉइंटमेंट किया यार तो फाइनली गाइस यहाँ पर हम लोग जो है जिया की खाला के घर से हम लोग वापस अब घर के लिए निकलना है। ये खड़ा सामने अरीब और ये चलिए जिया भाई आ चुके हैं तो हम लोग धीरे जा रहे हैं बाहर गाड़ियाँ गई गाड़ी में बैठ के हम स्टेशन पे आपसे मिलते हैं। चलिए सो फाइनली गाइस यहाँ पर जो है हम लोग जिया भाई खाला के घर से यहाँ पर जो है हम लोग स्टेशन पर आ चुके हैं बस हमें ट्रेन में बैठ के अब जो है भोपाल के लिए यहाँ पर निकलना है। वो जिया बता रहा है कि 2:30 बजे तक की यहाँ पर ट्रेन है तो आप देखो आप स्टेशन पर बैठे पूरी राइट राइट ये क्या है वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी जंक्शन ओफो वेरी सर्दी है वेरी सर्दी है। यहाँ पर हमारे जिया भाई को लिफ्ट चेक करना थी तो हम लोग जहाँ पर लिफ्ट चेक करने आए क्यों जिया भाई गाइस आप लोग भी आए लिफ्ट से ही जाएं क्या यूज कर रहे हैं लंबे जी में बहुत ज्यादा जी में छठे फ्लोर पे ले चलो अबे खोल अरे भाई इसके हम हो गया
गेट बंद हो गया अरे यार गाइस यहाँ पर स्कैम हो गया अरीब के साथ ट्रेन आ गई अरे वो वाला सिस्टम आता है ना देखो क्या कह रहा हूँ भाई आप जिया भाई आपकी नानी का घर यहाँ पर जी भाई और भाई नानी पूरा ननियाल आधा वो मैंने सुना है यहाँ पर रिश्ता भी आपका होने वाला है नहीं नहीं आपने गलत फहमी है आपकी भाई भोपाल में होगी भोपाल में करना झांसी वालों आप लोग देख लो भाई को भोपाल में ही करना कितना है बुधवार है बुधवार में कहा जाएगी अगर अगर आप लोग को मालूम चलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बता दो ये भाई मजा आ गया भाई करेगा उसको 500 रुपए मिलेंगे सरकार तो सही अपनी है ऐसा कितने का चिप्स का पैकेट है 30 रुपीज ओनली चिप्स का पैकेट बिकाजी वो बिकाजी भुजिया जिया भाई तो शॉपिंग मस्त बेहतरीन कर रहा है यार गाइस बहुत रात हो गई है गाड़ी संख्या अलग परेशान कर रही है 6 2 6 ये देखो आप अगली ट्रेन छूटने वाली है मुजरी से चलकर नागपुर सालेम कोल्लम के रास्ते त्रिवेणी माय गॉड ये क्या हो गया 1 2 6 2 6 आप लोग भी आगे जीते सलमान खान वाले तो गाइस फाइनली यहाँ पर जो है हमारे लोगों की ट्रेन आ चुकी है काफी रात संघर्ष करने के बाद हमारी ट्रेन को आना था 1:30 बजे लेकिन ट्रेन हो गई 2:30 बजे की तो हम लोग यहाँ और ये हमारी ट्रेन ड्राइवर साहब जल्दी आना था आपको ये देखिए आप अभी भी स्लो चला रहा तो गुड मॉर्निंग गाइस यहाँ पर हम लोग एक नई सुबह के साथ और हम लोग यहाँ पर भोपाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं बड़ी मुश्किल से आँखें खुल गई मेरी मैं सो गया था आधे टाइम 2 घंटे पहले मैं सो गया था आँखें नहीं खुल रही थी मेरी बहुत ज़्यादा संघर्ष के साथ तो बस कलर ठीक खराब है चले बस तो फिर अपन को क्या करना अब तो अपन घर जाएंगे भोपाल आ गए बस अपन तो फाइनली गाइस यहाँ पर हम लोग जो है इंडियन झांसी से वापस आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो बस हमें घर जाके बस सोना है और अगर आपको ये ब्लॉग में मज़ा आएगा तो आप उसको लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और ये हमारे साथ जिया भाई जी आगे बेहतरीन लाल सभी की आँखें लाल हो रही हैं चलिए बस तो ब्लॉग देख के मज़ा आएगा तो आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने सारे दोस्तों सब परिवार के साथ शेयर करें चलिए तो फिर बाहर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में Oh